गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग क्लास आपकी लाइव हो चुकी है सभी बच्चे क्लास में लाइव आ जाएं और शुरू करते हैं अपने लाइव सेशन को टॉप लेवल क्वेश्चन डीएसएसबी टू थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन सो सभी बच्चे लाइव आ जाएं और चलिए गाइस शुरू करते हैं जी दीप्ति राखी नीलम सबिया वेरी गुड गुड uh, इवनिंग बच्चों ठीक है जी सभी पहुंच रहे हैं तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन विच वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर वन से वर्ड वॉज गिवन टू हार्डी हार्डी को कौन सा अवॉर्ड दिया गया था एज अ ग्रेट नोवेलिस्ट ए नोबेल प्राइज ओके ठीक है सबिया राखी ने सी आंसर दिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बाकी बच्चे बताएं नोबेल प्राइज शिप ऑर्डर ऑफ मेरिट या फिर नाइटहुड इसमें से कौन सा सम्मान इनको मिला था जी देखो ठीक है ठीक है आंसर बच्चों इसका बिल्कुल ठीक है नीलम सी जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट ही वॉज गिवन द ऑर्डर ऑफ मेरिट देखो क्या है जो ग्रेट नोवेलिस्ट वोट इनको मिला था ये मिला था बच्चों इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट ठीक है जी तो आंसर हमारा क्या जाएगा आंसर वुड बी सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं विल्की विल्की कॉलिंस विल्की कॉलिंस एज अ नोवेलिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर किसके लिए जाने जाते हैं साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन क्रिएटिंग डबल प्लॉट्स क्रिएशन ऑफ द सेंसेशनल प्लॉट्स स्ट्राइकिंग एंड एंडिंग्स ऑफ हिज नॉवेल्स तो हम इसमें आंसर क्या बनाएंगे जी बच्चों गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो शुड बी द आंसर ऑफ विल विलकी कॉल क्या थे कैसे कैसे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं डबल प्लॉट्स को क्रिएट किया है बच्चों या फिर हम देखेंगे साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन है डबल प्लॉट्स क्रिएट करते हैं क्या करते हैं इसमें से ए आंसर दिया है नीलम ने ओके ओके साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन मोहित सी कह रहे क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट्स अंजलि का ए राखी ए ये बच्चों सी आंसर जाएगा अगेन हीज नोन फॉर क्रिएटिंग द सेंसेशनल प्लॉट अगले क्वेश्चन पे आएंगे द फ्रेज स्टोरमी सिस्टरहुड वेरी नाइस फ्रेज स्टोरमी सिस्टरहुड यह किसके लिए अप्लाई किया जाता है शार लॉर्ड ब्रांटी एमिली ब्रांटी एन ब्रॉन्टी या फिर कलेक्टिवली टू ऑल द थ्री बिल्कुल ठीक ऑल राइट ज्योति गुड सपना वेरी गुड ये बिल्कुल सही है कलेक्टिवली हम तीनों बहनों के लिए थ्री सिस्टर्स थी तीनों के लिए हम इस नाम को रखते हैं स्टॉर्मी सिस्टरहुड डेन बच्चो तो ब्रॉन्टी सिस्टर्स इनको हम कहते हैं एग्जैक्टली आशु क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेन्स इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इनमें से कौन सा मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है टेल ऑफ एटोसिटीज तो डेविड कॉपरफील्ड हार्ड टाइम्स या फिर पिकविक पेपर्स Four का बी एग्जैक्टली डेविड कोपरफ को अगर हम देखें तो इसको सबसे ज्यादा लाइक वो करते हैं ओरियन का ऑटोबायोग्राफिकल है no no किसने लिखा है विल्की गैस्केलेन एन ब्रॉन्टी या फिर चार्ल्स किंग्सले फाइव का बी आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है बहुत अच्छे विल की कॉल बनेगा जी सबिया बिल्कुल ठीक है मोहित वेरी गुड सपना गुड जी बिल्कुल सही है ज्योति सबिया मीनाक्षी राखी अंजलि सीमा गुड दीप्ति दीपा नीलम तो ये बी आंसर बन जाएगा आपका करेक्ट हो गया डिकेन सेड अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल्स क्या कहा था उन्होंने आई लाइक दिस द बेस्ट सबसे ज्यादा मैं इसको लाइक like, like करता हूं तो वे किस नॉवेल को रेफर करें ओलिवर ट्विस्ट को ग्रेट एक्सपेक्टेशन टेल ऑफ टू सिटीज या फिर डेविड कॉपरफील्ड वेरी गुड ये तो करेक्ट कर दिया है बहुत अच्छी डेविड कॉपरफील्ड ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल भी है और इसको सबसे ज्यादा वो पसंद भी करते थे बच्चों बहुत अच्छी बात है हु इज द ऑथर ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड किसने लिखा है चार्ल्स रीड ने किंग्सले ने स्टिवेंशन ने या फिर जॉर्ज मेरिडिथ ने क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या बनेंगे आप सपना ने सी कहा है सीमा ने सी कहा है बिल्कुल ठीक है इट इज आर एल स्टीवेंशन तो आर एल स्टीवेंशन का वर्क है डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड जी दीपा बिल्कुल ठीक है अंजलि वेरी गुड कविता बहुत अच्छे चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स आर कैसे कैरेक्टर्स हैं उनके राउंड कैरेक्टर्स हैं बच्चों है ना या ह्यूमरस हैं मुझे राउंड लग रहा है राउंड इसका सही करेक्ट आंसर है बताइए क्या होना चाहिए चार्ल्स डिकेंस के कैरेक्टर्स कैसे हैं सीमा ने ए कहा है राखी ने बी कहा है आशु डी कह रहे हैं दीपा फ्लैट ओके 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 बच्चों करेक्ट जो आंसर है वो फ्लैट है देखो फ्लैट वो कैरेक्टर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते जो चेंज नहीं होते जबकि जो राउंड वाले हैं ये चेंज होते जाते हैं गेटिंग एवरीवन राउंड वाले चेंज होते जाते हैं जबकि फ्लैट वाले चेंज नहीं होते वो जो कि त्यों रहते हैं तो इसीलिए चार्ल्स डिकेन्स ने ज्यादातर किसको यूज किया कैसे करेक्टर को फ्लैट कैरेक्टर आंसर ए जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर नाइन इन डिक्स अ टेल ऑफ टू सिटीज अ टेल ऑफ टू सिटीज ये बच्चों दो सिटीज में कौन कौन से हैं रोम एंड पेरिस लंडन एंड पेरिस एथेंस एंड पेरिस बर्लिन एंड पेरिस जी अंकिता गुड इवनिंग आशु ने बी कहा है बिल्कुल सही आंसर है लंडन एंड पेरिस इसका मतलब है यूके एंड फ्रांस के बीच में लिखा गया है

बी देखो मैंने कहा है मैं गारंटी देता मैं कह रहा हूं मुझे अच्छा लग रहा है सी का है मैंने कई जगहों पे पढ़ा है ए बिल्कुल ठीक है सपना राखी मंजिल वेरी गुड आशु ए ही आंसर जाएगा बच्चों इट इज होमरस ओडीसी तो होमर के ओडिसी के थ्रू ही पैटर्न बनाया था जो इसी ने अपने वर्क यूलिसिस का तो आंसर क्या जाएगा आपका ए डन बच्चो बहुत अच्छे करेक्ट बात है राखी जेम्स जोइसी इनिशिएटेड जेम्स जोशी ने क्या इनिशिएट किया क्या शुरू किया टेक्निक इमेजिनेटिव या फिर स्ट्रीम कॉन्सियसनेस या फिर एपिसोडिक तो सब बच्चे बताएं जेम्स जोइसी ने क्या इनिशिएट इसमें किया था वर्जिनिया वुल्फ को देखें बिल्कुल अच्छे बच्चे बहुत अच्छे दीपा आशु अंजलि ज्योति नीलम गुड ये बिल्कुल सही आंसर जा रहा है सपना राखी राका हिमांशी गुड सी स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस हैं ये लोग है ना? विच ऑफ द जेम्स जो नॉवेल्स कौन सा तो नॉवेल रिजेंबल करता है को? को तो कौन सा करता है? या पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन बारे का बी आपने कहा है ओके डी भी कहा है बारे का कुछ बच्चों ने ठीक है जी और बताइए डबलिनस ओके मोहित बी डी बन स्वाइन बन सबिया बारे का डी बी सी जी एन गुड इवनिंग बच्चों किसी ने भी ए आंसर नहीं दिया है इसका आंसर आपका ए जाएगा फिनेगंस वीक तो फिनेगंस वीक इज द म्यूजिकल कंपोजिशन इट एक्स द म्यूजिकल कंपोजिशन ठीक है जी तो आंसर हमारा ए जाएगा इसमें सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं Which of the following novels of D H Lawrence देखो क्या लिखा है यहां पे डी एच लॉरेंस हैज ऑटोबायोग्राफिकल ओवरटोन्स वुमेन इन लव रेनबो सनस एंड लवर्स वाइट पीको कौन से को आंसर करेंगे आप लोग तो? बहुत अच्छे सपना वेरी गुड आप करेक्ट आंसर कर दिया है ज्योति ने भी सपना ने भी दीप्ति सीमा सबिया कविता ऋचा आशु प्रीति राखी किरण गुड बच्चों दीप्ति अंजलि वेरी गुड आंसर आपका सी बनेगा सन्स एंड लवर्स अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है कि सन्स एंड लवर्स में जो हीरोइन है वो कौन है बच्चों हीरोइन का नाम क्या है जो मदर है यहां पे सन्स एंड लवर्स में जो मदर है उसका नाम क्या है हम तो भूल गए ऐसा लगता है कि जैसे गर्ट्रूड उसका नाम था पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लेकिन पता नहीं ये सही है कि गलत है जी बच्चों बताएंगे गर्ट्रूड है ओके ठीक है याद आ गया सब बच्चों को डीएच लॉरेंस कोल्ड वन ऑफ इज नॉवेल्स थोट एडवेंचर इन्होंने एक वर्क को थोट एडवेंचर कहा है बच्चों तो बताओ वो कौन सा वर्क है हाँ जी कंगारू वेरी गुड ज्योति इट इज कंगारू बच्चों तो कंगारू को उन्होंने अपने वर्क को क्या कहा है थॉट एडवेंचर ठीक है जी एग्जैक्टली द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड रिलीजन ऑफ द ब्लड ये किससे एसोसिएटेड है वर्जिना वुल्फ जेम्स जॉयसी डीएच लॉरेंस या फिर ई एम फॉरेस्टर रिलीजन ऑफ द ब्लड 15 का सी डी एच लॉरेंस बहुत अच्छे बच्चों तो ये डीएच लॉरेंस है हमारे डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जिन्होंने रिलीजन ऑफ ब्लड को एसोसिएट किया है अपने वर्क से ठीक है जी जी करेक्ट बात अन बहुत अच्छी डीएच लोरेंस लेडी चैटरलीज लवर लेडी चैटरलीज लवर एक जनरली कोल्ड एंड ऑप्सीन नॉवेल एक ऑप्सीन नॉवेल कहलाता है क्यों क्योंकि रिलीजियस था इमोरल था सेक्सुअल एक्सपीरियंस था या होमोसेक्सुअुअल लव था किस वजह से हम इसको ऑप्शीन कहते हैं बच्चों हाँ जी बहुत अच्छे मंजिल राखी बिल्कुल सही है इट्स थीम इज सेक्सुअल एक्सपीरियंस है ना सेक्सुअल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है यानी कि लेडी चैटरले को यहां पे इसी तरह से शो किया है जो कि कॉमन नेम था इंग्लैंड में उस समय तो इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा ऑप्शी नॉवेल कहा गया है और इसको बैन भी किया गया था वर्जिनिया वुल्फ वॉज डॉटर ऑफ एन एमिनेंट क्रिटिक एक एमिनेंट क्रिटिक की डॉटर थी उनका नाम क्या था कौन सी थी वो आई ए या हेरोसली स्टीफन किसकी बेटी थी वर्जीनिया वुल्फ माय वंस वंस ओन रूम बिल्कुल सही है स्टीफन लेस्ली स्टीफन इसकी मदर का नाम है बहुत अच्छे बच्चों करेक्ट आंसर दिया है आप लोगों ने गुड ज्योति किरण दीप्ति आशु दीपा सपना प्रीति अंकिता राखी वेरी गुड बच्चों एम फॉरेस्टर्स ए पैसेज टू इंडिया ये किसके साथ डील करता है क्या डील करता है एंशियंट इंडियन कल्चर अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियन डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया तो क्या यहां पे शो करता है ये क्या डील करता है हाँ जी बिल्कुल सही बात है बहुत अच्छे सीमा कविता ज्योति गुड बच्चो दीप्ति रिचा यह सी बनेगा रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस है ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं करेक्टर इन वर्जीनिया बढ़िया गुड देखो कितने बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग मुझे खुशी हो रही है ऑरलैंडो इज देयर है ना जो बच्चों ने पढ़ा है इस पूरे कोर्स को वो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल रहा है बच्चों को जी बहुत अच्छे अंकिता वीना सबिया नीलम मंजिल तमन्ना रिचा अंजलि किरण राखी बहुत अच्छे गुड बच्चों जोसेफ कॉन्डरेड्स नॉवेल्स आर जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्ड के किसके बैकग्राउंड में लिखे गए हैं लिबर कॉलोनीज स्लम्स द सी माउंटेन्स एंड द वैलीज बताओ बच्चों किसमें लिखा गया है हाँ जी का सी दिप्ति बिल्कुल सही है सी में लिखा गया है इनके समुद्र में लिखे गए पे हैं ठीक है जी जैसे आप मुझे बताओ लंदन की जो नदी है जिसका नाम है थीम्स नदी टेम्स नदी इस टीम से लेके वो कोंगो जायरे तक की बात करते हैं अफ्रीका के अफ्रीका के जायरे तो इसको नाम क्या देते हैं वो बताइए बच्चों पोंगो जायरे तक के बेसिन को वो नाम क्या देते हैं थेम से लेके बताओ इसको क्या कहते हैं वो हां जी इस पे एक नॉवेल उन्होंने लिखा है हार्ट ऑफ डार्कनेस अभिया वेरी गुड जी बच्चों ज्योति बहुत अच्छे तो हार्ट ऑफ डार्कनेस बेसिकली किस पे बेस्ड है सी रूट पे हार्ट ऑफ डार्कनेस तो ज्यादातर वर्ग्स इनके इसी पे बेस्ड है बच्चों ठीक है जी तो ये सारी चीजें याद रखनी है सब बच्चों को गोड दिपती सभी बच्चों ने सही कर दिया है इज द ऑथर ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज ह्यूमन बॉन्डेज किसने लिखा है प्रिस्टले सोमरसेट सोमरसे हेरोल्ड पिंटर या फिर सी डे लेविस लेवस डे लेविस ने लिखा है हेरोल्ड पिंटर ने लिया मोघम ने जो थी बहुत अच्छे इक्कीस का सी आंसर कर दिया है सपना ने भी गुड बच्चों तो ये आपका आंसर सोमरसेट मोघम बनेगा जी सोमरसेट सेट मोघम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस जो बच्चों टर्म है ये किसने यूज की थी फर्स्ट टाइम जेम्स ने फ्रेड ने या फिर वुल्फ ने या फिर जॉयसी ने ये जो टर्म है हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस ये बेसिकली यूज किसने की थी सबसे पहले आपको ये बताना है बिल्कुल सही है बहुत अच्छे आशु ज्योति रीना सीमा दीपा दीप्ति तो ये हमारे डी आंसर है विलियम जेम्स विलियम जेम्स ने ही इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था या ऐसे कह लें कि ये टर्म कोइन ही उन्होंने की थी इट वॉज कॉइंड बाई हिम बाकी इसको वर्जीनिया वुल्फ से लेकर जेम्स जॉइस सभी ने यूज किया अल्डस हक्सले बोरोड द टाइटल ब्रेवो न्यू वर्ल्ड ये इन्होंने कहां से लिया था शेक्सपियर के किस पे लिली से, के यूस्पियस से सेडी के आर्केडिया से शेक्सपियर के टेम्पेस से या बेकन के न्यू एटलांटिस से जी बच्चों बताइए ज्योति ने डी कहा है बैकन के न्यू एटलांटिस सपना ने तेईस का डी कहा है ओके 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 बच्चों शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से लिया है टेम्पेस्ट में एक लड़की है जिसका नाम है मेन मिरांडा ये मिरांडा ही कहती है ओ ब्रेवो न्यू वर्ल्ड ओ ब्रेवो न्यू वर्ल्ड ठीक है जी तो मिरांडा के बोले गए वर्ड्स है इसी से ओल्डर सेक्स ने एक वर्क लिखा है ब्रेवो न्यू वर्ल्ड जॉर्ज ऑरवेल्स नाइनटीन एटी फोर बताएंगे बच्चों ऐसे लिखा रहता है ये 1984 बताएंगे कि क्या है फेंटेसी में प्रोफेटिक नॉवेल है पिकारेस्क है या फिर साइकोलॉजिकल इनवोड वॉइस है अच्छा <laughs> कोई बात नहीं है नीलम प्रोफेटिक बहुत अच्छी बात है ये एक प्रोफेटिक नॉवेल है तो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 प्रोफेटिक नॉवेल बनेगा वुड यू कोल ओल्डस हक्सले ब्रेवो न्यू वर्ल्ड व्हाट वुड यू कोल्ड इसमें है इसमें क्वेश्चन बनेगा वॉट वुड यू कोल्ड मतलब आप क्या कहेंगे ओल्डस हक्सले के ब्रेवो न्यू वर्ल्ड को एडवेंचर है है प्रोफेटिक है, है या साइंटिफिक नॉवेल है प्रोफेटिक का प्रोफिटिक का आंसू मीन होता है जहां पे कुछ प्रोफेसी की गई हो प्रोफेसी का मीन्स है आने वाले समय के लिए पहले से बता दिया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा होने वाला है एक बाढ़ आएगी उसमें ऐसा होगा भारत में मोदी आएगा मोदी ऐसे करेगा है ना ये सब चीजें बी ओके ये प्रॉफिटिक नॉवेल है बहुत अच्छे बच्चों ये भी आपका प्रॉफिटिक नोवेल बनेगा ठीक है जी द ऑथर ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसने लिखी गोल्डिंग ने ग्रीन ने पेस्टले ने या फिर वॉलपोल ने तो क्या आंसर करेंगे आप लोग इसका गोल्डिंग बहुत अच्छे बच्चों इट इज डब्ल्यू जी गोल्डिंग डब्ल्यू जी गोल्डिंग हैड रिटर्न दिस करेक्ट एवरी वन जी छब्बीस का ए बनेगा ट्वेंटी सेवन इज द स्कोरपियन गोल्ड बच्चों स्कॉर्पियन गोड किसने लिखी है आपको फाइंड आउट करना है ग्रीन ने वॉलपोल ने ऑरवेल ने या फिर गोल्डिंग ने यस yes. ओके ओके सी स्कॉर्पियन गोल्ड बेसिकली अगेन लिखा है डब्ल्यू जी गोल्डिंग ने ये हमारे गोल्डिंग ने ही लिखा यस है. है yes, बच्चों बिल्कुल सही है इट वॉज रिटर्न बाय डब्ल्यू जी गोल्डिंग अगले क्वेश्चन को आएंगे हु इज द ऑथर चलो कोई बात नहीं इसको देखते रहते हैं तो आंसर अगर हम इसमें देखें हमारा क्या बनेगा तो हमें इसमें आंसर अपना चेक करना होगा तो 29 का हमारा आंसर बच्चों क्या जाएगा हु इज द ऑथर नाइटमेर एबे नाइटमेयर एबे किसने लिखा बताइए डिकेंस ने फ्रायर ने थॉमस लव पीकॉक कोक ने या फिर ब्रॉन्टी ने ए डिकेंस ने नाइटमेयर एबे इट वॉज रिटर्न बाई एन ब्रॉन्टी है नाइट में रहे किसने लिखा बच्चों बताइए थॉमस लव कोक बिल्कुल सही है सी आंसर जाएगा आपका इट वॉज थॉमस लव पीकोक हाँ जी तमन्ना बिल्कुल ठीक है थॉमस लव पीकोक हाइड्रेटन नाइट में रहे कुछ दो उत्तर हार्ड टाइम्स हार्ड टाइम्स किसने लिखा डिकेंस ने ठाकरे मेरिडिथ या फिर वॉल्टर स्कॉट जी बच्चों ए बिल्कुल सही है ठीक है जी ऑथर ऑफ वेनिटी फेयर वेनिटी फेयर किसने लिखा है वॉल्टर स्कॉट हार्डी मेरिडित या फिर जी बिल्कुल सही है बच्चों ठाकरे अच्छा मेरे याद ये नहीं आ रहा है कि ठाकरे ने जो वेनिटी फेयर लिखा था ये टाइटल कहां से लिया बच्चों मैं तो भूल गया याद ही नहीं ठाकरे ने वेनेटी फेयर का टाइटल लिया कहां से था हमें तो याद नहीं आ रहा है ओके okay. बहुत अच्छे तो मैक्सिमम बच्चों ने बता दिया है आई लाइक दिस वेरी गुड अंकिता एंड अदर्स बहुत अच्छे बच्चे सभी ने बता दिया गुड पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से लिया गया है बच्चे सारे इंटेलिजेंट हैं मुझे खुशी हो रही है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस शायद आप फील नहीं कर पा रहे हो लेकिन बहुत सारे लोगों से आप आगे हो बच्चों ये मैं बता रहा हूं आप मिलो आगे निकल चुके हो वो जो लाइन थी ना माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप तो इस कॉन्फिडेंस को बना के रखो जो बच्चे भी अपना हाफ एन आवर का टाइम यहां पे दे रहे हैं प्लस में जा रहे हैं ये बात ध्यान रखना है ना और ये कहीं ना कहीं माइल साबित होगा आपके सिलेक्शन में बच्चों आपको पता भी नहीं चलेगा कहां को आपने काम कर दिया वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज राइटर रिटन वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन राइटर रिटन बाई मेरिडिथ विच वन कौन सा है ओलिवर ट्विस्ट ब्लिक हाउस आर्डिल या फिर रोज एंड द रिंग तो मेरिडित का बच्चों इनमें से कौन सा है थर्टी टू का आंसर करेंगे जी बहुत अच्छे तो बच्चों सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर कर दिया आपने 32 का सी आंसर होगा इट इज द ऑर्डिल ऑफ द रिचार्ड फेबरल वुदर हाइटिंग वुदरिंग हाइट्स वुदरिंग हाइट्स जो वर्क है रिटर्न ब्रॉन्टी सिस्टर तो कौन सी है शार्लोट एमिली एन या फिर बच्चों नॉट डेफिनेटली नॉन तो हाइट्स किसने लिखा था 33? एमिली बहुत अच्छे बच्चों एमिली ब्रॉन्टी तो इट वॉज रिटर्न बाई एमिली ब्रॉन्टी करेक्ट आंसर जा रहा है आपका बहुत अच्छे 33 का ए नहीं बी बनेगा एमिली ब्रॉन्टी च ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स रिटर्न बाई शार्लोट ब्रॉन्टी शार्लोट ब्रॉन्टी ने इसमें से कौन सा लिखा है एग्निसग्रेट इन एंट ऑफ द वाइल्ड जेन आयर या फिर एग्निसग्रेट तो बताएंगे सब लोग शार्लोट ब्रॉन्टी ने इसमें से कौन सा नॉवेल्स लिखा है सी वेरी गुड इट इज जेन आयर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चो जेन आयर है ना रॉचेस्टर वो सारी कहानी आपको याद होनी चाहिए बर्था बर्था मैशन जी जी बिल्कुल बिल्कुल में तमन्ना बिल्कुल नहीं होगा फॉर राइट बच्चो सी आंसर विच ऑफ द फॉलोविंग नॉवेल्स इज रिटन बाई कौन सा लिखा है मिडल मार्च वार्डन फिनिक्स रिडक्स या फिर वेस्टवार्ड हु तो क्या आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का सब बच्चे थर्टी फाइव का अंजू ए बहुत अच्छे सपना वेरी गुड दीप्ति किरण वेरी गुड ये मिडल मार्च है तो मिडल मार्च वॉज रिटन बाई जॉर्ज इलियट ठीक है जी ये एटीन सेंचुरी के नॉवेलिस्ट में से एक है नहीं नहीं चिकन खा के डिके ये ये विक्टोरियन है विक्टोरियन ध्यान रखेंगे शी इज विक्टोरियन वन अगले क्वेश्चन पे आएंगे हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेजर आइलैंड ट्रेजर आइलैंड का ऑथर कौन है एल स्टीवेंसन किंग्सले ट्रॉलेप या फिर जी तो थर्टी सिक्स का बच्चों बनेगा हमारा ए मतलब यहां पे आंसर आएगा हमारा र एल स्टीवेंशन आर एल स्टीवेंशन ठीक है जी थर्टी सिक्स गए मैक्सिमम बच्चों ने आंसर कर दिया है वर्ड हु इज द ऑथर ऑफ सिल्वियाज लवर्स सिल्वियाज लवर्स का कौन सा इनमें से राइटर है एलिजाबेथ गैस्केल ब्रटी किंग्सले या फिर इलियट तो क्या आंसर करेंगे आप लोग सिल्वियाज लवर्स तो इट वॉज मिसिस एलिजाबेथ गैसकेल, एलिजाबेथ गैसकेल। पकड़ में आ रहा है सब बच्चों को हां जी वेरी गुड तो ये आप यहां पे बना सकते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं द क्लस्टर एंड द हर्थ वॉज रिटन बाई ये जो वर्क है एंड द हर्थ ये किसने लिखा था अगर मैं बता दूं तो इट इट इज एन अटैक ऑन द क्रिश्चियनिटी है ना क्रिश्चियनिटी चर्च क्रिश्चियनिटी चर्च पे ये पूरी तरह से एक अटैक का, का काम करता है है ना तो ये कौन सा है किसका है कॉलिंस का लिटन का कॉन्डेड का या फिर चार्ल्स रीड का बहुत अच्छे थर्टी एट का डीट वो चार्ल्स रीड ठीक है जी बच्चों क्लस्टर एंड द हर्थ हर्थ का मिस है घर से और क्लोस्टर का मीन है कहां से हमारे चर्च से यानी कि चर्च और घर की इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है ठीक है जी चार्ल्स रीड इज देयर टाइम मशीन इज टाइम मशीन बेसिकली कैसा वर्क है अगर बच्चों मैं बताऊं एच जी वेल्स का है ये आपको पता है तो ये कैसा वर्क है एज ऑफ मशीनरी पिक्चर ऑफ फ्यूचर साइंटिफिक फेंटेज या फिर डिस्कवरी ऑफ स्पेस एग्जैक्टली exactly, आशु बहुत अच्छे ज्योति ये एक साइंटिफिक फेंटेजम है फेंटेसी है मतलब ऐसी चीजों को यहां पे टाइम मशीन लेके बनाया गया जो वास्तव में नहीं है चुटमुट का बनाया गया है तो थर्टी नाइन का आंसर आपका सी बनेगा C ठीक है जी सी आंसर रखेंगे ऋचा बिल्कुल ठीक है हु इज द ऑथर लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का हु इज द ऑथर ऑफ द फोरसाइट है फोरसाइट कैसे लिखा है फोर साइट फोर साइट सागा किसका है जोन गेल्सवर्दी जोसेफ कॉन्ड लेटन या फिर जीवी शॉ बहुत अच्छे जोन गेल्सवर्दी अब बच्चों मुझे बताइए हमारा क्वेश्चन लास्ट हो गए हैं और मैं कहूंगा आपको सब बच्चे इसको लाइक जरूर करें है ना सबसे पहले रिक्वेस्ट तो यही है इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बच्चों मुझे बताओ आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे टेल मी हाउ डिड यू फाइंड द क्वेश्चंस आप इसे लाइक कर रहे हैं क्वेश्चंस को नहीं लाइक कर रहे हैं स्टैंडर्ड बढ़िया है नहीं है अच्छा नहीं है कुछ भी है जो वो उसको उसको फ्रीली बताएं जिससे इस पर इंप्रूव किया जा सके हा अंकिता ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे चलो बहुत अच्छे हैं चलो ठीक है सभी बच्चे इसको अच्छे कह रहे हैं है ना और अगर थोड़े से टफ डाल दिए तो आप ये कहेंगे सर इनका लेवल तो हाई है ठीक है ठीक है तमन्ना ऑल राइट राखी चलो तो सभी बच्चों ने इसको पास कर दिया है कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन को भी लगातार जारी रखेंगे सब बच्चे क्लास में आते रहे है ना और इसको लाइक भी करते रहे ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय